Assalamu alaikum student, Muhammad Ibrahim from City Public School. Student, I am going to teach chapter 6, exercise 6.1, question number 3, find ICF by division method. तो इसमें देखें जो बड़ी वैल्यू है वो डिवाइडेंड और छोटी वैल्यू को बाय डिवाइजर बना देंगे. ये पहली वैल्यू अंदर डिवाइडेंड होगी और ये दूसरी वैल्यू बाय डिवाइजर के तौर पे होगी. तो फिर डिवाइड करने का रूल ये होता है कि ये फर्स्ट वैल्यू को पकड़े और यहाँ से ये फर्स्ट वैल्यू पकड़े और ये आपस में कट जाएगी तो वन रह जाएगा. इधर आ जाएगा वन, वन से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वन से इस सारी वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस का एट. उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का सिक्स एक्स और प्लस का फोर आएगा. अब ये जो वैल्यू है ये छोटी हो चुकी है, बाय वाली वैल्यू बड़ी है, ये डिवाइडेंड छोटा हो चुका है. अब हमें नई डिवीजन बनानी है लेकिन उससे पहले चेक करना है कहीं इसमें कोई चीज़ कॉमन, तो इसमें टू कॉमन नज़र आ रहा है, टू को कॉमन कर लें. यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आ जाएगा. ये जो टू है इसको इग्नोर कर दें क्योंकि ये डिवाइडिंग रिमाइंडर है, इसको इग्नोर कर दिया जाता है. अब ये जो नई डिवीजन बनाएंगे ये जो इसका डिवाइजर है अब ये अब डिवाइडेंड बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट और ये जो इसका रिमाइंडर है ये बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू. ये जो टू है इसको इग्नोर कर दिया हुआ क्योंकि ये डिवाइडिंग रिमाइंडर है, इसको इग्नोर कर देंगे. उसके बाद फिर डिवीजन कोई रूल होगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू ऊपर और इसकी फर्स्ट वैल्यू नीचे आ जाएगी. इसकी दो पावर इसकी तीन से कट के एक पावर रह जाएगी, x आ जाएगा. x को सारे नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा. यहाँ 4x यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12x 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 8. फिर उसके बाद वही स्टेप क्योंकि अभी तक ये पावर सेम है, अभी डिवीजन चलेगी. डिवीजन कब नहीं बनती है, जब रिमाइंडर छोटा आ जाए और डिवाइजर बड़ा हो तो फिर नई डिवीजन बनानी होती है. लेकिन अभी इसका रिमाइंडर बड़ा है, अभी ये डिवाइजर छोटा है. हम इसी पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये पहली वैल्यू ऊपर और उसकी फर्स्ट वैल्यू नीचे आ जाएगी तो इधर प्लस का फोर आ जाएगा. अब फोर से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस एट तो माइनस प्लस माइनस ये सारे कट के रिमाइंडर आएगा जीरो. जहाँ पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा ICF होता है. सो इसका HCF वो हमें मिल गया है एक्स क्यूब एस क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस का टू. तो ये जो इसका डिवाइजर है ये हमारा ICF क्योंकि ये दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. इसके अंदर भी मौजूद है ये फैक्टर और इसके अंदर भी मौजूद है, दोनों डिवीजन्स में मौजूद है, इसलिए यही हमारा HCF होता है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको मजीद ये डिवीजन समझ आ जाएगी. दैट स्टूडेंट, हमने इसका क्वेश्चन नंबर टू शुरू किया है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. इसमें देखें बड़ी वैल्यू को डिवाइडेंड और छोटी वैल्यू को बाय डिवाइजर बना दिया. उसके बाद वही स्टेप होगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू अंदर वाले की ऊपर आएगी, इसकी फर्स्ट वैल्यू नीचे आएगी 5x क्यूब. तो देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये कट के ऊपर 1 पावर ये x ओवर 5 बन रहा है. अगर हम इसको इधर लिख दें
एक्स ओवर फाइव को, और फिर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शंस बनती जाएंगी, और फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। इसलिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा काम करना होगा, हमें ये सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई फाइव कर देंगे, क्योंकि ये बाई फाइव है, ये अंदर वाली एक्सप्रेशन को फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, फाइव एक्स की पावर फोर प्लस फाइव एक्स की पावर थ्री माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस का फिफ्टीन। इस सारी वैल्यू को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम फ्रैक्शन से बच सकें। उसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू ऊपर आ जाएगी 5x की 4, और वो नीचे आ जाएगी 5x की 3। 5 5 से कट गया, ये x की 3 इसकी 4 से कट के 1 पावर रह जाएगी, x आएगा यहाँ पे। अब x से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर x की पावर 3 माइनस 17x स्क्वायर प्लस का 6x। ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहां से आएगा 2x की पावर 3, इसी तरह ये 17 है प्लस का 7x स्क्वायर, इधर से आ जाएगा माइनस का x माइनस का 15। ये हमारे पास वैल्यू बचेगी, रिमाइंडर जो हमारे पास इसका बचेगा। उसके बाद देखें, अभी तक ये पावर आपस में, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है, अभी ये इस डिवीजन को हम कंटिन्यू रख सकते हैं। तो अब फिर देखें, अगर ये 2x की पावर 3 और वहां से 5x की पावर 3 हो जाए तो फिर 2 ओवर 5 आएगा, ये 2 ओवर 5 फिर फ्रैक्शंस बनाएगा, तो फिर फ्रैक्शंस में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी, इसलिए हम फिर एक दफा इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। करें सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, एक्सप्रेशन को 5 से, ये बनेगा 10x की पावर 3 प्लस 35x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 75। अब फिर ये 5 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी 10x क्यूब, और वो वैल्यू नीचे आ जाएगी 5x की पावर 3। अब ये 5 1s आर, 5 2s आर, और 3 3 से कट गई पावर, सिर्फ 2 बच देगा। अब 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, 10x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 34x प्लस का 12। ये माइनस माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहां से 29x स्क्वायर, यहां से भी जो है हमारे पास प्लस का 29x, और यहां से माइनस का 87 आ जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, वो है 29। क्या वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, क्योंकि 29 3 इज 87 होता है। और देखें, क्योंकि ये कब करना होता है, जब ये हमारा रिमाइंडर छोटा हो जाता है, बाय डिवाइजर बड़ा हो जाता है, तो हमें नई डिवीजन पे जाना होता है, उससे पहले देखना है कोई हमारे पास डिवाइडिंग रिमाइंडर, जैसे ये 29 आ गया है, इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर 29। अब नई डिवीजन पे जाएंगे, नई डिवीजन पे वो वैल्यू अंदर आ जाएगी, 5x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 6, और ये वैल्यू बाहर आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। 29 को इग्नोर कर दिया। उसके बाद फिर वही स्टेप हो जाएंगे स्टार्ट, इसकी फर्स्ट वैल्यू ऊपर, इसकी फर्स्ट वैल्यू नीचे, तो ये इसकी 2 पावर इसकी 3 से कट के 1 रह जाएगी, यहाँ आ जाएगा 5x, 5x से मल्टीप्लाई कर दें, 5x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 और ये माइनस का 15x
ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2x, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x के माइनस का 2x और ये प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर अभी ये अंदर पावर सेम सेम है, इसी पे स्टेप चलेगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू को ऊपर रख ले माइनस टू एक्स केयर, इसकी फर्स्ट वैल्यू को नीचे, ये एक्स केयर से कट गया माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करें माइनस टू एक्स केयर माइनस टू एक्स प्लस का सिक्स, ये प्लस ये माइनस सारे कट जाएंगे, रिमाइंडर जीरो आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां पे रिमाइंडर जीरो आ जाए उसका जो डिवाइजर होता है वही हमारा एसीएफ होता है, इसका एसीएफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, ये इसका एसीएफ आ गया। तो स्टूडेंट्स ये मुश्किल तरीन क्वेश्चन यही था इसका, क्वेश्चन नंबर थ्री का ये जो पार्ट था, बाकी सब इससे आसान है। तो बाकी जो दो पार्ट है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इंशाल्लाह कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे।